दक्षिण भारतीय विद्युत संघ ये जो स्थापना हुई थी वह स्थापना मदन के जगदीश शासक ने किया था। अखिल भारतीय विद्युत संघ की स्थापना के साथ साथ ही नालंदा इतिहास नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास जो बिल्कुल समाप्त हो चुका था उस इतिहास को भी अखिल भारतीय विद्युत संघ के जगदीश शासक ने जीवित किया और आज जो नालंदा नालंदा स्कूल या नालंदा विश्वविद्यालय जो बनने जा रहा है फुल फॉर्म में उसकी नींव भी जो है अखिल भारतीय विद्युत संघ के द्वारा ही स्थापित हुई थी और उसमें जो फाउंडर प्रेसिडेंट के रूप में जो अखिल भारतीय विद्युत संघ के थे उसमें से हमारे स्वर्गीय महाशिविर जी इनका जो संकल्प था काम करने का जो ढंग था काम करने का अगर एक संकल्प कर लेते थे तो वो संकल्प को पूरा करके ही छोड़ते थे। हर संकल्प इनका कोई भी अधूरा नहीं रहा हर संकल्प इनका खुला रहा और आज के इस दौर में जो हम कह सकते हैं कि जो भिक्षु जो अभी अखिल भारतीय भिक्षु संघ में जो मूर्ति लग रही थी तो छाए वालों ने पूछा था कि मूर्ति कैसी चाहिए तो भंते धम्रियो ने कहा कि मूर्ति चलती हुई चाहिए क्योंकि चलता हुआ भिक्षु हमेशा भंते को पसंद था और चलता हुआ भिक्षु ही संसार में जो हमेशा चला है दूर 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 गया है बुद्ध के संदेश को फैलाया है वो काम धम्रियो भंते महाशिविर के द्वारा अपने जीवन काल में जहाँ भी वो रहे वो पूर्ण रूप में उन्होंने ये किया। तो ये धम्रियो भंते महाशिविर का ये काम था और अंतिम काल में जैसा कि श्री राजकुमार जी ने अभी बताया अंतिम काल में एक ऐसा बीड़ा उठाया जो बीड़ा को बड़े बड़े लोग भी उठाने में जो आपको कांप जाते उनके बस की बात नहीं थी बीड़ा लेकिन ऐसा बीड़ा उठाया इन लोगों के साथ में यहाँ पर ये रॉकी बैठे हुए हैं श्री राजकुमार बैठे हुए हैं ये कंसेप्ट वास्तव में श्री राजकुमार का था कि जगह जगह जाया जाए गांव गांव जाया जाए और बुद्ध के संदेशों को फैलाया जाए ये वास्तव में ये कंसेप्ट श्री राजकुमार का था। इनके साथ में रॉकी और लोगों ने मिला और 6 महीने तक लगातार बहुत ही यहाँ पर स्कूलों में बैठे हुए इन लोगों ने अपना जो पूरा समय दिया उस कारवा को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए वास्तव में सफल हुआ। वो धंधे धामियों का काम कोई भी असफल नहीं होता जिस काम को लेते थे वो सफल वो करके रहते थे। आज भी भिक्षु संघ के जो हेडक्वार्टर है बुद्ध गया वहाँ मैं रहता हूँ उनका आशीर्वाद मेरे साथ में हमेशा था। आज भिक्षु संघ जिस मुकाम पर है उस मुकाम पर हमें और भी आगे बढ़ना है। अंत में हम ये कर सकते हैं जो उनका संकल्प जो करते थे वो पूरा करके रहते थे आज हम सबको भी उसी रूप में आगे बढ़ना चाहिए यही हमारी प्रति श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी।